हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान श्री की स्तुति करने लगे, बोले हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे परब्रह्म परमेश्वर, आप निर्गुण निर्विकार और ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा प्रथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव जी देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागरपुर जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। राजा प्रतु ने नारद जी से पूछा, हे देवेश्री, कृपया आप अब मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु जी ने क्या किया और फिर वहाँ वह कहाँ गए। तब देवता स्तुति कर मौन हो गए। तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे देव ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तुम मेरा ही अंश था, उसने मैंने तुम्हारे लिए नहीं, यह मेरी सांसारिक लीला थी, फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप खुशी हुए या नहीं। सब जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब की बात है। ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते एव आप उन्हें समझाए, क्योंकि यह सारा चराचर उन्हीं के अधीन है। देवताओं ने यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी आपके वश में हो गए हैं, परंतु महादेव जी उमा त्रिवेदी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मोहन और वह गिरिराज अभी कहलाती हैं। एत एव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने लगे, उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजो गुण से लक्ष्मी और तमो गुण से ज्योति रूप, अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के भाग्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की इस प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियाँ प्रकट हुई। सभी देवियाँ खुश होकर निवेदन किया तथा उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाओ और दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसी धरती मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने उन स्त्री रूपवती वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे और चित्त से मोहित हो उनमें याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी का सारा दुख भूल देवता ने नमस्कार हो गए, अपने लोग वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला परम पुण्यदायी चरित्र है। जो भी व्यक्ति इस चरित्र को भक्ति भाव से सुनता है उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसको धन दौलत की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया। थैंक यू।